क्या करना ज़रूरी नहीं है, हमको क्यों करना है इस पर भी सोचना होगा। तो दो तीन बातें तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले कि अभी मैंने देखा, और इसके पहले भी अलवर भाई ने हम लोग को भेजा भी था, उन्होंने मोदी जी को एक ख़त लिखा था जब उन्होंने पासवानदा की बात की, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, इसकी वजह से पासवानदा समाज के कुछ लोग शायद भाजपा की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि जाने वाले हैं। ये जो 8% लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, कि हमने भाजपा को वोट दिया, उनमें से 99% लोग झूठ बोल रहे थे, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्किस बानो का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन बिल्किस बानो की ज़ात क्या है शायद आपको पता नहीं है। उनकी ज़ात घाची है, जो मुसलमानों में तेली है उनको गुजरात में घाची कहा जाता है। तो जो नरेंद्र मोदी की ज़ात है वही बिल्किस बानो की ज़ात है। वो मोदी है, वो घाची है, लेकिन है दोनों तेली। तो कितनी हमदर्दी है उनके दिल में पासवानदा मुसलमानों के लिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे माहौल में पले और पढ़े जिसमें हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि जात और जाति उत्पीड़न अभी भी देश में जिंदा है, इसका बोलबाला है। क्योंकि हमारे घर में नहीं था, हमारे परिवार में नहीं था, ज़्यादातर जिनके बीच में हमारा उठना बैठना था उनमें भी नहीं था। तो हमने सोचा था ये ख़त्म हो गई होगी बात। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में हमको बहुत कम इसके बारे में पता चला, लेकिन जो देश की संसद है वो मेरी असल विश्वविद्यालय बनी, जहाँ पर हिंदुस्तान के समाज की बनावट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहला झटका तो मुझे तब लगा जब मैं MP बनी थी कानपुर से, तो हमारे एक अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, और फिर ये हुआ कि उसके लड़के को उसकी जगह मिलेगी। लेकिन फिर इस पर प्रशासन ने एतराज़ किया और कहा कि वो तो वाल्मीकि समाज का नहीं था, वो तो हलालखोर था, मतलब वो सफाई कर्मचारी मुसलमान था, इसलिए इसके लड़के को उसकी जगह नौकरी का कोई अधिकार नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अब ये बड़ा पेचीदा मामला था, हमने तो कभी सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। लेकिन फिर यूनियन के साथ बैठ करके रास्ता निकाला गया कि चूँकि वो है तो उसका लड़का और वो था तो उसका बाप और काम पे मरा, इसलिए बेटा होने के नाते उसको उसकी नौकरी मिल जानी चाहिए, और वो नौकरी लड़ करके उसको दिला दी गई। लेकिन तब ये समझ में आया कि हाँ, ये जो ज़ात की बीमारी है ये तो छूत की बीमारी की तरह है, ये जाती नहीं है जल्दी, ये बहुत जल्दी फैलती है। और हमारे समाज के अंदर आदमी अपना धर्म तो बदल सकता है, लेकिन अपनी ज़ात नहीं बदल सकता है। और बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ज़ात छुपाई जा सकती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो छुपाए नहीं जाती, छुपाए नहीं छिपती है। आप जितना भी कोशिश करें छुपाने की, अगर आपने छुपाने की कोशिश की और अगले को संदेह हुआ, तो वो ऐसे सवाल पूछेगा कि आखिर में वो चलते 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 आपकी ज़ात तक पहुंच ही जाएगा और आपके बारे में अपना फ़ैसला कर लेगा। तो ये तो उस आदमी के मरने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। और असली तो मुझे तालीम मिली जब मंडल आयोग की सिफारिश को VP सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर रखा। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि हमारी पार्टी CPIM कोई मंडल वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सोच समझ करके, पढ़ करके, अध्ययन करके, पूरी निष्ठा के साथ मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए हाथ उठा करके उनको लागू कराने की बात हम लोगों ने कही। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो बिल्कुल ही हमारी आंखों को खोलने वाली बात थी।
एक तो हमने देखा भाजपा की उमा भारती को जो कूद फांद रही थी सदन के अंदर, और जब वीपी सिंह आए तो उनके गले लग गई। वीपी सिंह परेशान हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और वो यही चिल्ला रही थी नो क्रीमी लेयर नो क्रीमी लेयर, मतलब वो आपे से बाहर हो गई खुशी से कि पिछड़ों को अब आरक्षण मिल जाएगा, उनका अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उसी सदन में मैंने देखा, मेरे बगल में वो बैठते थे, हम लोग बीजेपी और हम दोनों ही वीपी सिंह का समर्थन कर रहे थे उस वक्त, तो बीजेपी वाले हमारे अगल बगल ही बैठते थे, तो हमने देखा। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, वाकई में मैंने बीजेपी के दो सांसदों को रोते हुए देखा। वो दोनों ऊंची जात के थे, हिमाचल के थे, और दोनों रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे कहले हमारा सब कुछ लुट गया। अच्छा हमारी समझ में नहीं आया कि इनका क्या लुटा, देखा हमारी समझ में नहीं आ रहा आपका क्या लुटा। अरे अगर चार छः पिछड़े डीएम एसपी बन जाते हैं तो आपको कौन सी आफत आ गई आपके लिए? अरे कहले आप समझती नहीं है। मतलब ये है कि हमारे देश में जो वर्चस्व की भावना है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं कि जिस पूरे क्षेत्र पर आप अपने वर्चस्व की वजह से अपना कब्जा जमाए हुए हैं उसका रत्ती भर हिस्सा भी किसी दूसरे को मिल जाए, ये आपको बर्दाश्त ही नहीं है। ये मैंने उस समय देखा, लेकिन यही नहीं देखा। देखिए कुछ कड़वी बातें भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मंडल आयोग आया, यहाँ शायद जिनको मैं कड़वी बात सुनाना चाहती हूँ वो कम लोग होंगे जो गैर मुस्लिम ओबीसी हैं। तो वीपी सिंह ने जब लीबर हैंड कमीशन बनी थी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर और अडवाणी वगैरह का की क्या भूमिका थी उसको लेकर के लीबर हैंड आयोग बना, तो वीपी सिंह ने उसके सामने मतलब अपना बयान दिया। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मंडल कमीशन की वजह से ही मेरी सरकार को गिराने का काम किया। और उन्होंने पूरी बात रखी कि भाजपा को ये डर था कि अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो जिस हिंदू समाज को वो अपने पीछे लामबंद करना चाहते थे उसका एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा और उनके पीछे से हट जाएगा, इसलिए उन्होंने ये रथ यात्रा निकाली और धर्म का इस्तेमाल करके जो मंडल आयोग के लाभार्थी थे उनको भी अपने साथ उस मुहिम में शामिल कर दिया जिस मुहिम ने आखिर में जाकर के मस्जिद को तोड़ने का काम किया और अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से वहाँ मंदिर भी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये बात आपको मालूम नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मंडल आयोग के आने के बाद ही अडवाणी जी को अयोध्या की याद आई और उन्होंने रथ निकाला और वो जो पूरा आंदोलन चला उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई हिंदुस्तान के इलाकों में जो बहुसंख्यक समाज है हिंदू समाज है उसका बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ गया और जिन लोगों को मंडल आयोग से फ़ायदा मिल रहा था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे चला गया उनके साथ जुड़ गया। और जो मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि ये जो सांप्रदायिकता होती है ये जो फ़िरका परस्ती होती है ये जो मज़हब और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो केवल अपने पीछे अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपनी जमात को नहीं इकट्ठा करते हैं बल्कि वो दूसरी जमात के ख़िलाफ़ तो नफ़रत पैदा ही करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अकलियती जमात है उसके नेताओं को भी वो पूरा का पूरा मौका देते हैं कि वो भी अपनी जमात को अपने पीछे लामबंद करे और उनकी जमात के अंदर जो ना बराबरी है जो जुल्म है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है जो
ऊंची जात यानी अशराफ अजलाफ और जो दलित मुसलमान है उनके बीच की जो खाई है वो उसको भी मज़हब के नाम पर कि हमको एक होना है उनसे लड़ने के लिए, वो कहते हैं हमको एक होना है इनसे लड़ने के लिए, और दोनों अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने ही जमात के लोगों को न्याय से वंचित रख के अपने पीछे लामबंद करके अपनी नेतागिरी को जमा करके काम करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब अली अनवर भाई तो समझ गए, बाकी लोग समझे कि नहीं मुझे नहीं मालूम कि आज क्या है। इन्होंने बताया कि जब हमने पासवानदा की लड़ाई शुरू की तो लोगों ने कहा आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, अरे आप देख नहीं रहे कि कितना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो रहा है, हमें इस हमले के खिलाफ लड़ना है। ये मुस्लिम औरतों के साथ भी हुआ। फैजान भाई मैं आपको बताऊं, जब शाह बानो वाला मसला उठा हमारे देश में तो मैं कानपुर में थी, कानपुर में मतलब सार्वजनिक रूप से एक कार्यकर्ता थी, और मैंने खुल करके ये कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा औरत के हक में फैसला किया है तो फिर वो फैसला मान्य होना चाहिए, उसके खिलाफ हम लोग क्यों लोगों को उठा रहे हैं भड़का रहे हैं। तो बहुत कुछ हमको सुनना पड़ा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हमने हज़ारों मुसलमान औरतों की मीटिंगें की होंगी और उनमें निश्चित रूप से बाहर वो क्या कह पाती थी क्या नहीं कह पाती थी आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन उनके दिल में एक खुशी थी कि हमको इंसाफ देने का काम किया गया है। हालांकि बाद में आप सब जानते हैं एक कम्युनिटी का प्रभाव होता है, जो लोग कहते हैं कि हम ही इस कौम के रहनुमा हैं, उनका एक दबाव होता है और फिर औरतों की ज़बान बंद कर दी जाती है। लेकिन भाइयों बहनों सिर्फ औरतों की ज़बान नहीं बंद कर दी जाती है, जो उस जमात में कमज़ोर लोग हैं जो उस जमात के गरीब लोग हैं उनकी भी ज़बान बंद कर दी जाती है। उनको भी यही समझाया जाता है कि अभी बोलना कौम के खिलाफ है, जो बोलेगा वो कौम का गद्दार है, इसलिए अभी चुप रहो, जब सब ठीक हो जाएगा तब बोलना, तब हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो भैया न नौमन तेल हुई हैं और न कबहू राधा नची हैं, इस बात को आप गांठ बांध दीजिए। लड़ना है तो हर वक्त लड़ना पड़ेगा। इंतज़ार करने का मतलब है कि आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो ख़ास तौर से इस मुल्क के पिछड़ों और दलितों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने ये जो दलील को मान लिया कि अभी मत लड़ो, अभी तो उनसे लड़ने का मौका है, पहले उनसे लड़ ले उसके बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ना, इसके शिकार बन गए और जो हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं देखिए मैं आपको बता दूँ, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, हम लोग केवल जात की राजनीति सियासत नहीं करते हैं, हम लोग जात के साथ वर्ग यानी जो आर्थिक शोषण के शिकार लोग हैं और जो आर्थिक शोषण करते हैं, हम लोग दोनों को मिला करके सियासत करने की कोशिश करते हैं, समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी जाहिर तौर पर समझा है कि जिसको हम शोषित कहते हैं, जिसको हम सर्वहारा कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन है? उसका बहुत बड़ा हिस्सा दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा है, पूरा हिस्सा नहीं लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए अगर इस मुल्क में तब्दीली की लड़ाई लड़नी है, अगर इस मुल्क में न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, तो इस मुल्क के सामाजिक बनावट को भी समझना होगा। इस मुल्क में ये जो समाज के अंदर बंटवारा है और इस बंटवारे के चलते जो अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ आज भी हो रहा है, इसको समझना होगा। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है, देखिए बहुत सारी पार्टियां जात की राजनीति करती हैं,
लेकिन वो सामाजिक न्याय की पक्षधर नहीं है, वो वोटों के लिए करती हैं। इसीलिए आप पता लगाइए कि किस पार्टी ने रंगनाथ कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की मांग की है, उन सिफारिशों की तायिद की है। ये अलग बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने की होगी, किसी सामाजिक न्याय को तथाकथित रूप से आगे बढ़ाने के दल के कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम राजनीतिक दलों ने, मतलब जिस दल ने इस कमीशन को बनाया उसने भी सिफारिशों को लागू करने का काम नहीं किया। और आज जो पासवंदा का नाम ले रही है सरकार, उसने भी उनको लागू करने से इनकार कर दिया है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है, हमारी छोटी पार्टी हो सकती है लेकिन हमने रंगनाथ कमीशन की सिफारिशों को सीपीआईएम ने लागू करने की तायिद की है, उसका स्वागत किया है। और अली अनवर भाई जानते हैं, बंगाल की हमारी वामपंथी सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन उस सरकार ने शायद सबसे अच्छा, मतलब नियमावली कहिए या सबसे बढ़िया वो रूपरेखा बना करके पारित की, ताकि जो ओबीसी जमात है मुसलमानों में उनको भी तालीम और नौकरी में जगह मिले। केरला में पहले से था, उसका कभी वहाँ कोई विरोध भी नहीं हुआ। बहुत कुछ करने को बाकी है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले आपका एक सपना है, वो सपना मैं समझती हूँ, आपने उसको कहा भी कि माइनॉरिटी होने में कोई हर्ज नहीं, वो सवाल नहीं है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें, हमारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं। अभी हमने देखा, एक हमारा भतीजा है, उसका नाम है खालिद अनीस अंसारी, आप उसकी काम को ज़रूर पढ़िएगा, उसने इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ लिखा है। तो उसने एक कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हज़ारों सेक्युलर लोगों ने, सेक्युलर पार्टीज़ ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने उसके बारे में लिखा, और वो ठीक था लिखना और उसका विरोध करना सही था। लेकिन फिर उसके आगे उन्होंने बताया, और मुझे भी इसका मालूम नहीं था, इल्म नहीं था, कि 6 दिसंबर 2007 यानी उसी तारीख पर बिहार के एक गांव में, हाँ बिहार का एक गांव है पूरब चंपारण में, रामपुर बैरिया, और इस गांव में जो शेख सैयद थे उन्होंने मस्जिद में जो, मतलब बढ़ई बुनकर पासवांदा जात के लोग थे, उनको थोड़ा सा धक्का का दिया कि तुम लोग पीछे के सफ़े में खड़े हो, आगे होने की हिम्मत, आगे आने की हिम्मत न करो। इस पर उनको एतराज़ हुआ और उन्होंने एक झोपड़ी में अपनी एक मस्जिद बना ली और उसमें वो नमाज अदा करने लगे। ये बात भी कि वो अलग से अपनी एक झोपड़ी में नमाज पढ़े, ये भी जो ऊंची जात के लोग थे उनके लिए नागवार गुजरी। और 6 दिसंबर 2007 में उन्होंने जा कर के पसमानदा मुसलमानों की झोपड़ियों में आग लगा दी और उस मस्जिद में भी आग लगा दी। तो झोपड़ी, हाँ जो झोपड़ी वाली मस्जिद थी उसमें भी आग लगा दी। और फिर जब लोग वहाँ गए पता लगाने के लिए कि भाई ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, तो वो वही जबान बोलते हैं जो ऊंची जात के हिंदू बोलते हैं कि इनका बहुत दिमाग ख़राब हो गया है, ये हमें आँख दिखाने लगे हैं वगैरह वगैरह। और फिर एक और बात पता चली कि कुछ साल बाद उसी गांव का एक लड़का जो पासवांदा था वो अपनी शादी में मारुति गाड़ी में बैठ कर के आया, और ऊंची जात के लोगों के घर के सामने से सड़क बनी थी, सड़कें तो उन्हीं के घरों के सामने बनती हैं,
उस सड़क पर उसने अपनी गाड़ी चलाई और अपनी शादी में आया। ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने आकर के शादी का जो खाना था उसमें मिट्टी मिला दी, पंडाल को तोड़ दिया और मतलब उस पूरी शादी को तहस नहस करके छोड़ दिया। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये तो जैसे कहते ना, तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे निकले, हाँ, तुम्हारा जहन, तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्म, वो तो सब बिल्कुल हमारे यहाँ की ऊंची जातियों जैसा निकला कि कोई मूछ रख ले तो उसको मार डालो, कोई घोड़ी पर बैठे अपनी बारात में तो उसको मार डालो, तो फर्क कहाँ है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर गांव में ऐसा हो रहा है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये सब जगह हो रहा है, लेकिन ये है। जो अली अनवर साहब ने कई साल पहले कहा वो हमारे समाज की सच्चाई है। और इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगी, और ये मेरा असल मुद्दा है, कि अगर सांप्रदायिकता, अगर फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना है तो जाति उत्पीड़न को के खिलाफ भी लड़ना होगा, उस सवाल को भी उठाना होगा। बिना हर समुदाय में उन सवालों को उठाए जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप लोगों को जुटा नहीं पाएंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई इस मुल्क में सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की लड़ाई भी है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई असल सामाजिक न्याय की लड़ाई के बिना लड़ी नहीं जा सकती है, जीती नहीं जा सकती है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। आप देखिए ये कैसे लोग हैं, ये बीजेपी बात करती है घर वापसी की, जब इनकी सरकार योगी की बनी तो इन्होंने एक मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश में कि भाई तुम लोग तो पहले हिंदू थे, मुसलमान बन गए, अब आ जाओ अपने पुराने घर में फिर से मुसलमान हिंदू बन जाओ। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई हम बन तो जाएंगे हिंदू, लेकिन कौन से हिंदू बनेंगे? तो जवाब उनको मिला कि जो हिंदू तुम पहले थे मुसलमान बनने से पहले, तुमको वही हिंदू फिर से बनना होगा। मतलब अगर ये हिंदू धर्म की बिल्डिंग एक पांच माले की पांच मंजिल की बिल्डिंग है, और अगर हिंदू बनने से पहले तुम नीचे पशुओं के साथ रहते थे, तो हिंदू बनने के बाद तुमको फिर वहीं वापस जाना पड़ेगा, तुमको ऊंचे ऊपर की मंजिलों में जगह नहीं मिलेगी। और यही चीज़ हम मुसलमान समाज में भी देखते हैं, मैंने खुद देखा, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है। हमारे शहर के एक आला दर्जे के डॉक्टर थे आँखों के, वो रंगरेज थे, पैसे वाले रंगरेज थे, उनके बाप भी पैसे वाले थे, और उनके घर में शादी हुई तो उनकी बहन की शादी थी, उनकी फ्रेंड जो सहपाठी थी क्लास में वो आ गई शादी में, देर हो गई तो ये हुआ कि भैया इनको छोड़ आइए घर तक। अब भैया का छोड़ जाना, आप समझ रहे हैं कि घनी आबादी में जहाँ सब लोग सबको जानते हैं, हल्ला मच गया कि फलाना फलानी तो अपनी टू व्हीलर पर फलानी की बिटिया को घुमा रहे थे। तो उसने शराफत में जा कर के कहा उसकी माँ से कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसका ये बदनामी हो गई है तो मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। खैर वो लड़की वाले तैयार हो गए, लेकिन उसके बाप ने उसको आग कर दिया, आग कर दिया, आप सोचते हैं, डिसोन कर दिया, मतलब जो डॉक्टर थे रंगरेज उनके बाप ने अखबार में निकाल दिया कि आज के बाद मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शादी की तो मुसलमान से, लेकिन दूसरी जात की मुसलमान से। तो तब ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं, इनको याद करते हैं, तब हमारे समझ में आता वही बात कि तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे निकले। हाँ, कुछ फ़र्क हो सकता है, कुछ तलखी कम हो सकती है शायद, पता नहीं, कुछ दूरी कम हो सकती है पता नहीं, लेकिन मामला वही है। लेकिन आप देखिए कि बाकी जो सामाजिक न्याय
के लिए लड़ने वाले अलग अलग हिस्से हैं, उनका इस लड़ाई के बारे में क्या नज़रिया है? वही नज़रिया है जो मर्दों का है औरतों की लड़ाई को लेकर के। देखिए कल सब कितना हल्ला मचा रहे थे, मुस्लिम महिलाएं कहाँ हैं, ओबीसी महिलाएं कहाँ हैं, उनके लिए अलग से जगह बनाइए। माफ़ कीजिएगा, आप उसका समर्थन भी कर रहे थे। मैं अगर ओवैसी को जानती होती तो मैं उससे पूछती, आज तक तुमने किसी मुस्लिम महिला को टिकट दिया है क्या? इतनी हमदर्दी जता रहे हो। एक फातिमा जिन्ना को लड़ाया गया था पाकिस्तान में, और आप लोग तो शब पैदा नहीं हुए थे, हम लोग शायद पैदा हुए थे। इतना हल्ला मचा के मतलब जैसे कि पूरा इस्लामी खतरे में आ गया है पाकिस्तान के अंदर, कि जिन्ना साहब की बहन को टिकट दे करके लड़ाया जा रहा है। तो ये क्या मतलब इसका? आप अपने लिए सामाजिक न्याय चाहते हैं लेकिन आधी आबादी के लिए नहीं चाहते, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलने वाला है। हमारे दोस्त थे शरद यादव जी, आपके बिहार से ही लड़ते थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करती थी। उन्होंने जा करके उसको फाड़ दिया था विधेयक की कापी को, कि जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं जगह होगी तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा नारा है। हमने जा करके उनसे पूछा, शरद जी आप तो बहुत दिन से पार्लियामेंट में हैं, आप तो जानते हैं, रजान भाई मुस्तफ़ा भाई भी जानते हैं, कि रिजर्वेशन तो एक पूरे समुदाय के लिए ही हो सकता है, फिर उस समुदाय में एक तिहाई महिलाओं का होगा, उस समुदाय की महिलाओं का, तो आप क्यों नहीं मांगते हैं ओबीसी के लिए रिजर्वेशन? उनका जवाब सुनिए, बड़ा मज़ेदार था। कहने लगे मांगेंगे तो बहुत पछताएंगे, अरे मिलेगा तो 27% मिलेगा और हम हैं 40 से लेके 45%। आप समझ रहे हैं बात को? पार्लियामेंट में जो सांसद हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में जो विधायक हैं, वो ओबीसी की संख्या पहले से ही 40% से लेकर के 50% तक पहुंच रही है, और हमारे मंडल के हाथ उठाने के बाद बढ़ना शुरू हुई है, ध्यान में रखिए। तो हमने कहा फिर, तो कहने फिर का क्या मतलब? अगर मान लो मेरी सीट रिजर्व हो गई महिला के लिए तो मैं कहाँ से लड़ूंगा? तो मैंने कहा, तो कहने का अगर मेरे जैसे वहाँ नहीं होंगे तो फिर ओबीसी की बात कौन करेगा? हमने कहा हो सकता कोई ओबीसी महिला करे बहुत बढ़िया तरीके से। अरे कहने लगे छोड़िए, ऐसा नहीं होता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर ईमानदारी से लड़नी है तो वो पूरी लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़के ने भी, ये जो हमारा ये खालिद है, उसने कहा है कि सामाजिक न्याय की मांग केवल रिजर्वेशन तक नहीं सीमित हो सकती है, उस समुदाय के अंदर भी न्याय होना चाहिए, उस समुदाय के अंदर भी बराबरी होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बराबरी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आपको समाज में कभी भी बराबरी नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, क्योंकि आपके दिल में उस लड़ाई लड़ते हुए खोट होगी, उस खोट को दूर करना होगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है और जीतना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई ज़रूरी है। इनकलाब के लिए लड़ना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई ज़रूरी है। लेकिन सामाजिक न्याय का मतलब होता है पूरे समाज के तमाम दबे कुचले हिस्सों की लड़ाई, जिसमें महिलाओं की संख्या, महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो उनकी बात भी आगे रखते हुए इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अली अनवर भाई जैसे नेता हैं और तमाम लोग, मैं देख रही हूँ, इस लड़ाई के साथ जुड़ रहे हैं। जो बातें पहले लोग नहीं करते थे अब कर रहे हैं, जो उदय निधि ने वहाँ तमिलनाडु में किया उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी कम नहीं हैं। मतलब ये जो पूरी पोंगा पंथी के खिलाफ जो एक पूरी राय बन रही है, जो हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना इस तरह की रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते इस लड़ाई में। तो ये जो आवाज़ें आज
रूढ़ियों के खिलाफ उठ रही हैं। आपके बिहार में तो आपको लगता है कि आप बहुत दिन से लड़ रहे हैं, तमिलनाडु के लोग समझते हैं कि वो भी बहुत दिन से लड़ रहे हैं, अरे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी अब इस लड़ाई में पीछे नहीं हैं, अब हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग आगे आ रहे हैं, फिर से अर्चक संघ को भी खड़ा कर रहे हैं, फिर से और तमाम जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के मिजाज और हमारे नक्शे को बदलने वाली लड़ाई है, और मुझे बहुत खुशी है कि अली अनवर भाई मुझे भी आपकी इस लड़ाई का एक हिस्सा मान करके उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।